नारे तकबीर बनकर हम जहां जाएंगे, नारे तकबीर बनकर हम जहां जाएंगे, बड़े बड़े तूफान भी वहां लरस जाएंगे। आज 28 मई का दिन पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बख्शने वाला दिन, जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने पूरी दुनिया की धमकियों को अपने पांव तले रौंद डाला और पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया और ये बता दिया कि मैं आवाम का लीडर हूँ, मैं पाकिस्तान की आवाम ने मुझे वोट से मुंतखब किया है और मैं आवाम की राय को मद्देनज़र रखते हुए, आवाम की ख्वाहिशात को मद्देनज़र रखते हुए आज एटमी धमाके कर रहा हूँ। यही वजह है कि नवाज शरीफ का यही जुर्म है कि आज नवाज शरीफ कोट लखपत की जेल के पीछे है। लेकिन हम डरने वाले नहीं, हम घबराने वाले नहीं, हमने वो मुशर्रफ का जबर तोड़ा, हमने वो मुशर्रफ के जबर का मुकाबला किया और सुरखरो हुए और एक बार फिर मुल्क का वज़ीर आज़म बना और ये इस उम्मीद भी करते हैं और ये यकीन भी करते हैं और ये हौसले भी हैं हमारे कि हम इंशाल्लाह ताला सेलेक्टेड वज़ीर आज़म को भगाएंगे और एक बार फिर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को लाएंगे और पाकिस्तान की माशियत को मजबूत करेंगे और पाकिस्तान को मजबूत बनाएंगे और पाकिस्तान को एशियन टाइगर का ख्वाब जो मेरे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने देखा है वो इंशाल्लाह हम पूरा करेंगे। इस दौर के सहमे हुए लोगों को बता दो, इस दौर के सहमे हुए लोगों को बता दो, हालात बदल जाते हैं मगर ठहरा नहीं करते। ये भी देखा है कि जागी हुई कौमों के दिलावर हक छीन लिया करते हैं, मांगा नहीं करते। बहुत शुक्रिया।